नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्तों के हमारे पास में कॉल आते हैं, मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप कमेंट भी करते हैं कि शिवम भाई हमें एक रूम चाहिए, हम मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं, और दृष्टि के आसपास हमें कोई रूम बताइए। तो हमने आपके लिए आज की वीडियो में ऐसे 3 रूम ढूंढ निकाले हैं जो कि दृष्टि के पास में हैं, और ये विदाउट ब्रोकर के हैं। सबसे अच्छी बात ये है, और इनका रेंट भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप वीडियो पूरी देखोगे नहीं, इसको आप पूरा देखिए, क्योंकि आपको रूम भी तो दिखाने हैं कैसे हैं। इधर आप देखेंगे तो ये रूम का स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे एक भाई रहते हैं अभी, उनकी ये कॉपी किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि ये वाला रूम अब ये खाली करके अपने घर जा रहे हैं। इनकी जो स्टडी है कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे इनका सामान रखा है, इसलिए ये अपना खाली करके जा रहे हैं। यहाँ इनका एक टेबल है, और इधर आप देखेंगे इन्होंने कुछ मोटिवेशन के लिए पोस्टर वगैरह और मैप वगैरह लगाए हुए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका एक बेड है, कह सकते हैं आप चारपाई है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका एक बेड है, कंबल है यहाँ पे, क्योंकि अभी अपने घर जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई हो चुकी है। स्पेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि बहुत सारे रूम मैं देखता हूँ तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है नेहरू विहार में, लेकिन इनकी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये विदाउट ब्रोकर के है। आप देख सकते हैं इन्होंने अपना पूरा सामान जो है पैक करके रख लिया है। धीरे धीरे अगर आप आएंगे तो ये रूम आपको दे दिया जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर की भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लाइट वगैरह इसमें लगी हैं। आप आओगे तो आपको लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये इन्होंने खुद लगवाई थी, ठीक है। इधर इनका टेबल और चेयर था। और फिर एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, ये गेट है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एक किचन दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट का किचन मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गोपालपुर, गांधी विहार, करोल बाग में इस तरीके का ही होता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, दिखावा करने के लिए नहीं, सजावट करने के लिए नहीं। तो यहाँ इनका सामान था, ये सब पैकिंग होने जा रहा है, यानी कि ये यहाँ से अब खाली करेंगे। इसलिए यहाँ का भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और इसमें एक और रूम है। ये जो रूम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैं आ गया हूँ, इसका भी आप स्पेस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। एक बेड यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और टेबल है, जो एक और भाई रहते थे वो भी जा रहे हैं, और उनका यहाँ पे सामान भी है। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत मोटी मोटी मूंगफली रखी हुई हैं। आप लोग भी आ सकते हैं खाने के लिए, मैं आपको बुला रहा हूँ, लेकिन उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ बिस्किट और नमकीन भी रखे हुए हैं उनके। ये उनका एक टेबल था एक कोने में। यहाँ पे दोस्तों एक विंडो भी है, खिड़की भी है, जिसको आप खोल सकते हो। और इधर उनका बेड था, और यहाँ पे भी उनका लैपटॉप वगैरह सामान, कॉपी किताबें रखी हुई हैं। स्पेस आप लोग जरूर देखना चाहते हैं कि कितना है, तो आप देखेंगे रूम काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ऊपर एक फैन लगा हुआ है, इधर लाइट वगैरह उन्होंने खुद लगाई थी ये। और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात यही है, विदाउट ब्रोकर के है, और काफ़ी इनकी कॉपी किताब यहाँ रखी हुई है। अगर आपको नीड है तो उसके लिए हमने क्या किया है, अगर आपको नीड है, आप लेना चाहते हैं ये रूम, 3 रूम का सेट 9,000 में, तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी चैनल के नाम से ही है, जो हमारा चैनल का नाम है यही हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। आप वहाँ पे जैसे ही मैसेज करेंगे, और जो सबसे पहले मैसेज करेगा उसका नंबर जो भाई यहाँ रहते हैं उनका, हम उनको प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप डायरेक्ट उनसे बात करते रहना। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक और रूम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें 3 रूम है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, ठीक है, और एक रूम यहाँ पर है। एक रूम में इनका केवल सामान रखा रहता है और कुछ नहीं आता। एक कूलर है इनका, एक ये इनकी कुर्सी है, गद्दा है, और एक और कूलर है, रैक वगैरह है, और एक चेयर है। एक रूम ही ये है, इसमें ये कुछ भी रहते नहीं है, अपना जो सामान है वही ही रखते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये रूम है नेहरू विहार में, D 277, और ये शिव मंदिर, कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर ही है, शनि, और ये शनि मंदिर जो है नेहरू विहार में उसके पास में है। यहाँ आप देखेंगे नीचे तो एक ये गली है, और ये दोस्तों रूम 3rd फ्लोर पे है, D 277 नेहरू विहार में। इधर आप देखेंगे तो यहाँ तो, और यहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह है आपका वो है इसी में, और ये जीने का गेट है। जो लोग हमें ये कहते हैं विदाउट ब्रोकर का रूम चाहिए और ऐसा रूम चाहिए, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आप उस पर फटाफट मैसेज कीजिए, उनका नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप भी यहाँ आ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।